नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, जीपीसी डूंगरपुर। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो ME304 जो हमारा सब्जेक्ट है, ME304 सीएनसी मशीन्स। उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हमने ब्रीफ स्टडी किया है उसके अंदर अब थोड़ा सा डिटेल में अगर हम देखें कि इनपुट डिवाइसेस या इनपुट मीडियम क्या क्या होता है। एक सीएनसी मशीन, जैसा कि हम देख चुके हैं कि एक सीएनसी मशीन के मेजर जो पार्ट होते हैं, मशीन टूल, उसको इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करके देने वाला मशीन कंट्रोल यूनिट, और उसके साथ उसका ड्राइव सिस्टम, और दूसरी चीज उसको जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वो हमारा इनपुट मीडियम हो जाता है। तो जैसे इस वाले डायग्राम में हम देखते हैं कि ये मशीन टूल्स है, इसको चलाएगा कौन? ये हमारा सर्वो सिस्टम, यानी ये ड्राइव सिस्टम इस मशीन टूल के सारे पार्ट्स को चलाएगा। इस ड्राइव सिस्टम पर जो कमांड आएंगे वो कंप्यूटराइज्ड या मशीन कंट्रोल यूनिट से आएंगे जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होता है, और इस पर जो इंस्ट्रक्शन जो फीड किए जाते हैं वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू फीड किए जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस होते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, इनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, और अब तक कितने टाइप के जो है हम यूज करते आए हैं, और प्रेजेंट टाइम पर क्या क्या चीजें टेक्नोलॉजी चल रही है। तो यहां पर तो स्टूडेंट्स यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल है वो क्या क्या है। तो इनपुट डिवाइसेस फॉर सीएनसी मशीनरी अगर हम बात करें तो हमारे पास है पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, पंच टेप, और सीडी ड्राइव, पेन ड्राइव, और प्रोग्राम फीड सिस्टम, ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सारे किस तरीके से नजर आते हैं, किस तरीके से होते हैं, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंच कार्ड की। अगर बात करें तो पंच कार्ड जो है हमारा कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। ये जो डायग्राम है ये पंच कार्ड रिप्रेजेंट करता है। तो पंच कार्ड जो है इसमें जो है इसको पंच इंस्ट्रक्शन को जो है पंच फॉर्म में यूज में लिया जाता है। तो पंच कार्ड रीडर जो है इसका जो पैटर्न है, ये जो जितने भी होल्स हैं उनके थ्रू जो है इस इंस्ट्रक्शन के सेट या कैरेक्टर्स या सिंबल्स को रीड करता है। और इसमें अगर बात करें तो ये काफी विड्थ वाला और काफी लेंथ वाले जो कार्ड होते हैं, जो प्लास्टिक के जो है प्लास्टिक मटेरियल से बने होते हैं, और मैग्नेटिक पल्सेस के थ्रू जो है डेटा को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। अब ये भी देखते हैं कार्ड रीडर किस तरीके से होता है। इन पंच कार्ड को जो रीड किया जाता है कार्ड रीडर से रीड किया जाता है। ये कार्ड रीडर इसके इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगा, यानी ये दोनों मिलकर के हमारा एक इनपुट सीएनसी मशीन के लिए इनपुट मीडियम बनेगा। कार्ड रीडर इसको रीड करके आगे सीएनसी में सेंड करेगा। फिर हम बात करें जो है मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप जो होती है ये भी एक मैग्नेटिक पल्सेस पे काम करती है जो प्लास्टिक की बनी होती है। इसके अंदर जो है मैग्नेटिक पल्सेस के रूप में जो है डेटा को एनग्रेव किया जाता है मैग्नेटिक टेप के अंदर। अगर इसका डायग्राम देखें तो थोड़ी वर्किंग इसमें समझ में आएगी हमें। ये कुछ इस तरीके से होती है मैग्नेटिक टेप। तो इन मैग्नेटिक टेप में जो है डेटा मैग्नेटिक पल्सेस के फॉर्म में एनग्रेव होता है और फिर इसको हम रन करते हैं। तो जैसे जो म्यूजिक इंडस्ट्री में भी ये काफी यूज में आता था, और वही चीज जो है एज ए इनपुट मीडियम हम मशीनरीज के अंदर भी ले सकते हैं। फिर अगर बात करें हम फ्लॉपी डिस्क जो है काफी एक लंबे टाइम तक इनपुट मीडियम के तौर पर यूज आई थी हमारे पास। और इसका अगर डायग्राम हम देखें फ्लॉपी डिस्क कुछ इस तरीके से। फ्लॉपी डिस्क जो होगी
फ्लॉपी डिस्क की अगर बात करें तो इसपे पंच टेप या मैग्नेटिक टेप के कंपैरिजन में काफी जो है ज्यादा डेटा स्टोर रहता है। तो लेकिन आजकल जो टाइम चल रहा है उसके अंदर पेन ड्राइव या फिर दूसरे मेमोरी कार्ड ये काफी हम यूज में देख रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे जो हमारा सिस्टम जो चल रहा है वो इस तरीके की सीएनसी मशीन चल रही है। अब इसमें जो इनपुट मीडियम होता है इसके अंदर ही होता है, ये स्क्रीन होती है माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड। तो यहाँ से हम प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन फीड करते हैं, वो फीड हमारा इसके पीछे जुड़ा हुआ सिस्टम माइक्रोप्रोसेसर इसको कंट्रोल करता है। लेकिन जो अर्लियर यूज में आते थे एज ए इनपुट डिवाइसेस वो फ्लॉपी डिस्क, पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमारी यूज में आया करती थी। तो फ्लॉपी डिस्क कुछ इस तरीके से नजर आएगी, ये खुल रहा है डायग्राम। इससे पहले जरा ये देखते हैं, ये हमारा मॉडर्न जो है कंप्यूटर सीएनसी मशीन का एक इनपुट डिवाइस है जिसके अंदर हम प्रोग्राम डायरेक्टली हम यहाँ पर फीड करते हैं। अब वो किसी इनपुट स्टोरेज डिवाइस के थ्रू भी हम इसमें जो है फीड कर सकते हैं या फिर प्रोग्राम यहीं पर इसी पर बनाकर भी हम कर सकते हैं। ये देखिए ये फ्लॉपी डिस्क है और फ्लॉपी डिस्क का जो मेन काम होता है डाटा स्टोरेज के रूप तौर पर कंप्यूटर में भी काम आता है या सीएनसी मशीनरीज में भी काम आता है। तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस जो है हमारे सीएनसी मशीनरीज में यूज में आते हैं। और क्योंकि किसी मशीन को अगर चलाना है तो सबसे पहले उसमें इनपुट देना जरूरी होता है, तो उस बेसिस पर ये चलती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।